अंधेरे में डूबी शंकरपुर बस्ती 3 दिन से लाइट खराब। 150 घरों में पीने के पानी तक का मंडराया संकट। विभाग 72 घंटे में भी नहीं ढूंढ पाया फॉल्ट। खबर कराहा से है, जहां एक बार फिर विद्युत विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। जहां बीते 3 दिनों से शंकरपुर बस्ती की लाइट फॉल्ट हो चुकी है, जिसे आज तक नहीं सुधारा गया है। बस्ती में निवासरत 150 परिवार 2 दिन से बिजली ना होने की वजह से पीने के पानी तक को मोहताज हो रहे हैं। वही रात के अंधेरे में भी उन्हें डर लगा रहता है कहीं बच्चों को कोई सांप बिच्छू ना काट ले, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, जिसके चलते जहरीले सांप निकलते हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि जब लाइट के बारे में जानकारी लेने हम शंकरपुर फीडर पर पहुंचे, तो उनसे पूछा कि 3 दिन में भी अभी तक लाइट क्यों नहीं सुधर पाई है, तो अधिकारी कर्मचारी उल्टा हम पर ही FIR कराने की धमकी देने लगे। तुम भीड़ के साथ यहाँ गुंडागर्दी मत करो, नहीं तो तुम पर FIR करवा देंगे। परेशान हो चुके मोहल्लेवासी अब कह रहे हैं कि यदि आज लाइट नहीं आती है, तो हम फीडर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कराहा से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या परेशानी है? फीडर का घेरा। परेशानी ये है सर, 4 दिन से लाइट नहीं है मोहल्ले में, 4 दिन से पीने को पानी नहीं है लोगों को, पानी में परेशान है। और जय साहब को फोन लगाया तो जय साहब ने बोला है, बोले FIR करा दूंगा। नहीं जय साहब को मतलब क्या, किससे बोला उन्होंने FIR करा दूंगा? पूरी जनता दिल्ली, आपने अपनी समस्या बताई उन्हें, बिल्कुल, तो उन्होंने डायरेक्ट ही बोला FIR कर, FIR करा दूंगा उनके पास। रात को बोल रहे हैं, बोला रात को भी बोला, तुम गुंडागिर्दी कर रहे हो, बोलो कि मैं FIR करा दूंगा, 100 नंबर बोला रहा हूँ, कोई अपराध कर रहे हैं क्या? अपनी मांग रख रहे हैं हम लोग, लाइट ही तो मांग रहे हैं, यहाँ पे आके कोई लट थोड़ी चला रहे हैं। हमारी मांग ये है कि हमारी लाइन को कराल से जोड़ा जाए। अभी कहाँ से जुड़ी है ये लाइन? अभी तो ये आबादी लाइन है, ये अलग है गांव की लाइन है। क्या कारण रहे? आपने पूछा होगा लाइट क्यों नहीं आ रही, कारण तो होंगे कुछ, इसके कोई कारण नहीं है, उन्हें कर रहे हैं कोशिश। 48 घंटे से ज्यादा हो गए इस बात, 4 दिन 72 घंटे। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों में लाइट नहीं आ रही होगी? 150 पानी की क्या मोटर ही है पूरी? टंकी बंद पड़ी हुई है, टंकी तो कागज में चालू है, अभी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, नई लाइट चल रही है, क्या है आपका कदम, क्या करोगे? हम धरना देके बैठेंगे भूख हड़ताल पे, यही ना लाइट चलने देंगे कहीं। आपका क्या परेशानी है? यहाँ फीडर पे आए हो आप लोग, लाइट चाहिए, लाइट नहीं आए हैं, तो FIR क्यों लगा रहे हैं हम पे? कौन लगा रहा है आप पे FIR? कौन कह रहा है? 2 दिन हो गए ऊपर से। अच्छा, आपसे FIR करने ही कह रहे हैं? कह रहे हैं आपसे नहीं आ रही है? 3 दिन हो गए, 3-4 दिन मर रहे हैं, तो मच्छर भी खा रहा है, नीचे सो रहा है, कोई मोड़ा मोड़ी हमारा। आप लोग जो रात में यहाँ आते होंगे, दिन में इनसे पूछते होंगे, क्या कह रहे हैं क्यों नहीं आ रही है लाइट? रात में मतलब फॉल्ट सही नहीं हुआ जो नहीं, तो आप ऐसे अंधेरे में डले हैं? पानी नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पूरी बस्ती परेशान है, पूरी बस्ती परेशान है। राम कुमार, क्या है आप इस फीडर पे? ऑपरेटर। क्या परेशानी है? जो पब्लिक कह रही है 2 दिन से लाइट ही नहीं है, लाइन में कुछ ऐसा फॉल्ट आ रहा है, जैसे PTR के डीओ जल रहे हैं। अच्छा, वो कल STM टीम भी आई थी, उन्होंने ठीक भी किया था, तो कुछ 20-25 मिनट आबादी चली थी, उसके बाद में बारिश आने पर हम लोगों ने लाइन बंद कर दी, हवा चली थी और बारिश चली थी, उस वजह से जब वो बंद हो गई, साफ हो गया मौसम, फिर चालू कर तो तीनों दिए जला दी। अरे फिर से फॉल्ट हो गया, फिर से फॉल्ट हो गया था। क्या किस वजह से ये परेशानी है, इसका कुछ पता लगा? ये कुछ पता नहीं लग पा रहा है, फॉल्ट सब लोगों ने, इन लोगों ने लाइन भी काटी है, लाइन लोगों ने जगह जगह से काट लिया, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी एस्टीमेट टीम से बात होगी तो लोग ठीक करने आ रहे हैं, बता रहे हैं लोग कि पानी भी नहीं भर पा रहे हैं, पानी भी नहीं भर पा रहे हैं, तो नहीं है, तो इस वजह से पानी को नहीं भर पा, कोई अल्टरनेट व्यवस्था ये नहीं है कहीं यहाँ, जिस अल्टरनेट व्यवस्था बन सके? नहीं, अभी वही कोशिश करवा रहे हैं, देखो टीम आ रही है अभी, बोल रहे हैं कि FIR तक की बात कर रहे हैं, अब तो मुझे पता नहीं है क्या है, वो तो इनकी बात है। क्या मान रहे हो कब तक सही हो जाएगी जी? क्या अभी अभी बस आधा घंटे में आने वाले हैं, बस निकले बोरस पे आ गए।